जब तक तुम मौन नहीं होते, अपने भीतर मौन का अनुभव नहीं करते, शब्दों और बातों के अर्थ तुम्हारे लिए पूरी तरह नहीं खुल पाते। कई बार जब शब्द बहुत प्रचलित हो जाते हैं, हमारे जीवन में उनका अनुभव शायद कहीं नहीं होता। जैसे परमात्मा शब्द बहुत प्रचलित है और वो तुम्हारे जीवन में कहीं नहीं है, प्रेम शब्द बहुत प्रचलित है लेकिन वो जीवन में कहीं नहीं है। बहुत प्रचलित शब्दों से सावधान रहना चाहिए। एक अनंत पथ के यात्री को जो अपनी खोज में निकला है, उसे बीच बीच में ठहर कर उन सारी बातों पर फिर से दृष्टिपात करना चाहिए जो जीवन में बहुत अधिक उपयोग में लाई जाती हैं। उनके बारे में सोचना चाहिए कि क्या वो सचमुच जीवन में हैं? अगर नहीं है तो उनके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय यही है कि अपने भीतर मौन में डूबना सीखो, शांत होना सीखो, दूसरे के साथ भी शांत होकर ठहरना सीखो। तो ये दूसरे का सम्मान भी होगा, उसकी गरिमा के अनुकूल भी होगा। तुम दूसरों से मिलते हो और बोलना शुरू कर देते हो, दूसरे से लगातार बोलना दूसरे का असम्मान है, उसका अस्वीकार है, दूसरे का अपमान है। इस बात पर शायद तुमने कभी ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन तुम्हें देना होगा। बोल बोल कर तुम दूसरे से बचते हो। बोलने का एक पर्दा अपने भीतर से अपने सामने खींचते हो और दूसरे से बच जाते हो। बोलना प्रायः दूसरे से बचने का उपाय है। मौन दूसरे के प्रति खुलना है, इसीलिए मौन गहरे प्रेम का द्वार है। तुम भीतर की लगातार चलती हुई बातचीत से अलग होकर मौन में ठहर सको तो तुम सारी तरंगों को अनुभव कर सकते हो। दूसरा तुमसे जो शब्दों में कह रहा है, उसके पार जो वो सचमुच में कह रहा होता है, तुम उसे भी सुन सकते हो। कई बार व्यक्ति जो कह रहा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये प्रक्रिया तुम्हारे व्यवहारिक जगत के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। तो लोगों के पास, प्रकृति के पास मौन होकर ठहर जाना सीखो। हो सकता है कुछ दृश्य के पार अदृश्य और रहस्य में तुम्हारे भीतर से उठने लगे। जीवन दृश्य और अदृश्य का जोड़ है। मौन तुम्हें दोनों से परिचित कराता है। इस मौन में डूबो। ये मौन ही तुम्हारे लिए अर्थों के द्वार खोलता है।